हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है हमारा कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्लियर सीएसएआर नेट। अक्सर हमारे मन में ये एक डाउट आता है जब हम सीएसएआर नेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकता है। हम कितने भी ब्रिलियंट हों, हम कुछ भी क्यों ना हों, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक सेल्फ डाउट आ ही जाता है, क्या मैं इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकता हूँ। हम अपने आप को, खुद को एक एवरेज स्टूडेंट कंसिडर करने लगते हैं। जब मैं भी इस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहा था तो मेरी लाइफ में भी काफी अप्स एंड डाउन्स आए इस एग्जाम्स को लेके। कभी लगता था क्या प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, कभी लगता था प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, कभी लगता था यार मैं तो बहुत ही बिलो एवरेज हूँ, क्योंकि फिजिक्स में एफ इजिकल टू एम ए मेरे को बस फॉर्मूला पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि हाउ टू अप्लाई, है ना। बहुत सारे फिजिक्स में चीजें ऐसी होती हैं कि हमको थियोरेटिकल तो चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उसकी न्यूमेरिकल अप्रोच करते हैं, जब उसको क्वेश्चन में फिट करने की कोशिश करते हैं, तब तो वो हमसे नहीं हो पाता है। तो आज इसी चीज को लेके मैं आया हूँ, क्या एक एवरेज स्टूडेंट इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे कर सकता है। तो इसी के ऊपर आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, या मेरी तरह बिल्कुल ही निलबटे सन्नाटा हो, ठीक है, कोई घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एग्जाम पैटर्न लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने से पहले हमको उस एग्जाम्स का पैटर्न पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फिजिकल साइंस, ये किसका है, ये फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स का ये क्या है, एग्जाम पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीन कैटेगरी में ये पेपर होता है। पार्ट ए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आते हैं, पार्ट बी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आते हैं, पार्ट सी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, पार्ट ए में आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं, पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस करने हैं, पार्ट सी में आपको ये करना है। उसके बाद यहाँ पे आप मार्किंग देख सकते हैं, और ये हमारी नेगेटिव मार्किंग है। कुल मिला के 200 मार्क्स का पेपर आता है, और आपको इसमें 50% अचीव करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे इनके टॉपिक वाइज की टॉपिक क्या क्या है, तो सिलेबस, तो हम पहले सिलेबस समझ लेते हैं। पार्ट ए में जो हमारे टॉपिक्स हैं, अगर आप देखेंगे जो पार्ट ए के टॉपिक्स हैं, वो क्या है हमारे पास, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास है क्लासिकल मैकेनिक्स, ये हमारा टॉपिक है। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसके बाद है क्वांटम मैकेनिक्स, फिर है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, फिर हमारे पास मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स। तो ये हमारे क्या है, आपके इसके टॉपिक्स हैं। तो अब ये भी हमारा क्या है, पार्ट बी है, ये पार्ट बी है ना। तो पार्ट बी में आप देखेंगे कि मैथमेटिकल फिजिक्स, पार्ट बी में तो सभी टॉपिक हमारे कंसिडर होंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो पार्ट ए है वो हमारा एग्जाम में पार्ट बी होता है, और यहाँ पे जो पार्ट बी है वो एग्जाम में पार्ट सी होता है, मतलब एडवांस, ठीक है। तो ये आपने सिलेबस समझ लिया है। सिलेबस समझने के बाद अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ, तो ये मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ लेके आया हूँ 2023 की। तो एक बार हम यहाँ पे कट ऑफ को समझ लेते हैं। तो कट ऑफ को समझने से ये होगा कि मेरे को यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि इस बार मुझे कितने मार्क्स लेके आने, क्योंकि देखो हम एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उसको ज्यादा नहीं, उसको केवल एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब होता है, ठीक है। देखो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं रैंकर और एक होते हैं क्वालिफायर। तो रैंकर का मतलब वो होता है जिनको रैंक 1, 2, 3, 4 से मोहब्बत होती है, वो उसके लिए पढ़ाई करते हैं। एक होते हैं क्वालिफायर की, भाई बस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, मैं गंगा नहा लूं, ठीक है, तो उस टाइप की। अब आप डिसाइड करो कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइज करते हैं। अगर आप रैंकर कैटेगरी में हो तो आपके लिए सिलेबस नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, जितना मर्जी पढ़ सकते हो आप। और वहीं पर अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो, तो क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए, साथ ही में ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ के जाना है, क्योंकि बस आपको क्वालिफाई करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ है। अगर आप एक क्वालिफाई वाले स्टूडेंट हैं तो आपको कट ऑफ से मतलब होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम इतने नंबर लाने से मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, तो आप देख सकते हैं कि जेआरएफ के लिए ये परसेंटेज में है ना कि 39.75, मतलब हम इसको अगर हम इसको 40 मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि 80 नंबर पे आपका जेआरएफ यहाँ पे क्वालिफाई हो गया। मतलब अगर 200 में से
अगर आपके 80 मार्क्स आ गए हैं तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना चाहते हैं यानी कि एलएस के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 35 मार्क्स यानी कि 70 नंबर पे आपका एलएस हो जाएगा 200 में से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो एससी के लिए भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कट ऑफ बना दी है। ये कट ऑफ परसेंटेज में है, 39 का मतलब है 80 नंबर और 35 का मतलब है 70 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो कैसे आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। भाई एप्टीट्यूड आपको छोड़ के नहीं जाना है, सबसे पहले तो आपको एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस करना है। तो प्रिपेयर एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड जितना हो जाए उतना पढ़ो, क्योंकि एप्टीट्यूड के मैंने आपको बताया कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 में से आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। मतलब 30 मार्क्स का पेपर तो सिर्फ एप्टीट्यूड का आता है। तो अगर मान लीजिए आपको 80 नंबर लेके आने हैं तो 80 में से आप यहाँ से अगर अगर आप 20 नंबर भी लेके आ गए, है ना, मतलब आपका यह होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कर देता हूँ तो 20 मार्क्स आपके यहाँ पे क्वालिफाई हो, मतलब 20 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे आपके, रह गए हैं आप आपके 60 नंबर। या हम ना देखो 80 नंबर की कट ऑफ नहीं मान रहे, हम मान के चलते हैं कि ऑन एवरेज 90 नंबर आपको लेके आना है, यानी कि 90 का टारगेट आपका होना चाहिए। तो सपोज करो कि यहाँ से आपके 20 नंबर बन गए, आपने एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस कर लिए, है ना। 10 क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तो एप्टीट्यूड को आप इग्नोर नहीं कर सकते, एप्टीट्यूड आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के काम आता है। इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एप्टीट्यूड मस्ट बी, है ना, नेसेसरी। इसके बाद है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो थ्योरी तो आप पढ़ी लोगे, थ्योरी से मेरे को कोई क्लासिक नहीं है, थ्योरी हर कोई पढ़ ही लेता है, थ्योरी पढ़ना सबको अच्छा लगता है, डीप में घुस घुस के हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, एक लाइन को चार चार मतलब निकाल लेते हैं। तो थ्योरी से ज्यादा आपको जरूरत है यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए टेस्ट सीरीज लगाइए, ये जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले क्वेश्चंस आपको करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन। मेक शॉर्ट नोट्स, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जितना हो सके उतना आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के ऊपर काम करें। तो मेक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स। उसके बाद है पीवाईक्यूज, है ना, पीवाईक्यू जितना हो सके उतना करें, है ना, अच्छे से पीवाईक्यू उसको यहाँ पे आप लोगों को देखना है। उसके बाद है दोस्तों टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज जरूर लगाना है। देखो आप भले ही एवरेज स्टूडेंट हो, अपने आप को एवरेज मानते हो, मैं नहीं मानता, क्योंकि जो फिजिक्स का स्टूडेंट है वो एवरेज तो हो ही नहीं सकता। अगर आप लोगों ने एमएससी कर लिया है तो आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, बस यह है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है, कहीं ना कहीं आप फॉर्मूले को लेके काम नहीं कर रहे हो, उसकी फॉर्मूला शीट्स को लेके काम नहीं कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हुए सब काम करते हो तो आप एक एवरेज स्टूडेंट से एक जीनियस स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाते हो, और अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो एवरेज या फिर बिलो एवरेज जाओगे। जैसे अगर कोई मुझसे बोले कि क्या मेरा कॉमर्स अच्छा है, क्या मैं कॉमर्स बैकग्राउंड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्यों, मैं कॉमर्स में सब मैं कांग्रेस कह रहा हूँ, मैं कॉमर्स में सबसे बेकार। बस कहेंगे सर आप कांग्रेस पार्टी समर्थक हो, नहीं मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, जो मेरा भला करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद है यहाँ पे रेक्टिफाई मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करो, है ना, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करो, जितनी भी आप मिस्टेक्स करते हो पढ़ाई के समय पे कर लो, एग्जाम टाइम में नोट डालो। रिवाइज फॉर्मूले, फॉर्मूले को रिवाइज करते हुए चलो, डे बाय डे आप फॉर्मूले रिवाइज करते हुए चलो, जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे प्रैक्टिस मेक्स मेन ऑफ परफेक्ट वुमेन आल्सो, लड़के नाराज हो जाएंगे। लिविंग टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस एंड लीव हार्ड टॉपिक्स, तो इनके ऊपर आप बस फोकस, ठीक है। उसके बाद यहां पर टू स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। देखो आप लोग भले ही ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, आप भले ही ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या आप भले ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप जो मर्जी कर रहे हो, बुक्स तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूँ। तो ये हमारी कुछ बुक्स हैं, जैसे सीएसएल नेट फिजिकल साइंस, आप इन बुक्स को देख सकते हो। जैसे यहाँ पे सॉलिड स्टेट की भी बुक है, न्यूक्लियर फिजिक्स की भी बुक है, क्वांटम मैकेनिक्स भी है, मैथमेटिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, क्लासिकल भी है। तो ये सारी के सारी बुक्स आपके सामने अवेलेबल है, तो आप इन बुक्स को अच्छे से यहाँ पे पढ़ें, ये तो रेफरेंस के लिए है। फिर आप जब इन बुक्स को अच्छे से इन पे कंफर्टेबल हो जाए, फिर आप जा सकते हैं एडवांस बुक्स में, इंग्लिश ऑथर्स के रूप में। तो ये चीजें हैं, लेकिन अगर आप इन बुक्स को भी ले लेते हैं तो ये पूरा सिलेबस आपका कवर करा देती है सीएसईआर नेट का, ठीक है। तो इन बुक्स के साथ भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
इतना करने के बाद अगर आप एवरेज स्टूडेंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हो, आपको लगता है फिर भी इतना सब करने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं पीछे रह रहा हूं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 22 तारीख से हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, तो अगर आप इस 22 तारीख के बैच में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। तो 22 तारीख से आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जॉब वाले हैं तो रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, और यहाँ पे आपको 30% का हम ऑफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।